इस वीडियो में हम ट्रेडिंग प्रोसीजर को सिर्फ 2-3 मिनट में ही जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर के 5 स्टेप हैं, देयर आर द 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रोकर का सिलेक्शन होता है। ब्रोकर का सिलेक्शन कौन करता है? सेबी करती है। तो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी हो सकती है। ब्रोकर का सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है? डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। डीमेट अकाउंट किस लिए ओपन करते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, क्योंकि पेपरलेस वर्क है, कोई भी कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डीमेट अकाउंट ओपन करना ही पड़ता है इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर का जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद वो क्या करता है? ऑर्डर देता है ब्रोकर को। इन्वेस्टर ब्रोकर को ऑर्डर देगा कैसे? ईमेल से, पर्सनली या कॉल करके, कि मेरे को इतने शेयर खरीद रहे हैं, इतने प्राइस पे खरीद रहे हैं, जोन सी सिक्योरिटी खरीद रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर को दे देता है। ब्रोकर के पास जैसे भी ऑर्डर आ जाता है, ब्रोकर क्या करता है? उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, ट्रांजेक्शन कर देता है, परचेज या सेल करने की, वट एवर, जो भी ट्रांजेक्शन है ब्रोकर उसको उसके ऊपर काम करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी सिक्योरिटी परचेज सेल की गई है, क्या नेम है, कितना प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, सारी बात लिखी होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर सिग्नेचर भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट किसको दे दिया जाता है? इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट इन्वेस्टर अपने पास रखता है, उसके पास एक प्रूफ रह जाता है कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन की है। फिर उसके बाद क्या होता है? उस जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट का मतलब है कि सेलर की डीमेट अकाउंट में से सिक्योरिटी को बायर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यस, ब्रोकर क्या करता है? सेलर के डीमेट अकाउंट में से बायर के डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देता है। सेटलमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है T+2। T+2 के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन की, 2 दिन के बाद आपको उसकी डिलीवरी मिल जाती है, और अगर आपने वो सेल किया है तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। फिर है फॉरवर्डेड सेटलमेंट। फॉरवर्डेड सेटलमेंट का मतलब है कि जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उससे 5 या 7 दिन के अंदर आपको डिलीवरी या पेमेंट का पूरा काम कंप्लीट मिल जाता है। अगर आप ये टॉपिक पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो एक वीडियो आपके इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसे देखकर फुल स्टडी कर सकते हैं।